हमीरपुर विधानसभा क्षेत्र से आजाद उम्मीदवार कमल पठानिया ने हमीरपुर बाजार में डोर टू डोर जाकर लोगों से अपने समर्थन में वोट मांगे। इस अवसर पर उनके साथ काफी संख्या में लोग मौजूद रहे। वहीं आजाद उम्मीदवार कमल पठानिया ने बताया कि आज हमीरपुर नगर परिषद में 11 वार्डो में डोर टू डोर जाकर लोगों से समर्थन मांग रहे हैं। उन्होंने बताया कि लोगों के पास कांग्रेस और भाजपा दोनों को छोड़कर तीसरा विकल्प कमल पठानिया के नाम पर है। साथ ही उन्होंने बताया कि सभी वार्डों में लोगों की समस्याएं भी सुनी और वोट भी मांगे। हमीरपुर बाजार में हर दुकान में हर शॉप में जा रहा हूं, जो मेरी अपनी योजनाएं हैं उनसे लोगों को मैं अवगत करवा रहा हूं और मैं जितने भी यहां पे वार्ड हैं उनमें जाऊंगा और लोगों के समक्ष जो है अपनी बात रखूंगा और लोगों की भी बात सुनूंगा। तो मेरे को जिस तरह से मैं आधा बाजार थोड़ा घूम लिया है तो लोगों में उत्साह है कि ठीक है, इस बार किसी व्यक्ति ने ऐसा कदम उठाया कि दो वार्डियां छोड़ के तीसरा विकल्प भी हमारे पास है। लगभग डोर टू डोर जो है कोई 70 करीब जो है 70-72 गाँव के अंदर गया हूँ, घर घर में गया हूँ। लोगों का यही कहना है कि ये पहली बार हुआ कि भाई जो व्यक्ति जो है एमएलए का चुनाव लड़ रहा है और वो आजाद रूप में लड़ रहा है और घर घर में आ रहा है, लोगों से मिल रहा है, तो हमारा समर्थन जो है इस बार जो आजाद प्रत्याशी है जो कि कमल पठानिया उनको ही जाएगा।